अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं आज आई हूँ आयशा के घर। और आयशा का क्या आप कब नहीं आती मेरे घर, ये बताएं? आज क्यों आई है? आप तो हर वक्त ही आती है। मैं पिज्जा खाने के लिए आई हूँ। और लोग क्या कहते हैं कि सिर्फ आपको आयशा ही नजर आती है ना? अच्छा, कौन कहते हैं? बताओ। काफी लोगों ने कहा है, मुझे कमेंट्स किए हैं। Really? कि आपकी यही दोस्त रह गई और कोई दोस्त नहीं? लोग भी देख बोर हो गए, चेंज कर ले। नहीं नहीं नहीं, दोस्ती कभी नहीं चेंज होती। और मुखलिस लोग आपको पता नहीं मिलते। ये जरा दिखाओ तुम फिजा, जो बोलते हैं ना हम लोगों के बारे में। हाँ, समझ में आ गई ना मैं किसके लिए कह रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब खा ले। हाँ, और ये ना हो कहीं से ये आप अपने डैडी को मारोगे। मेरे ले ले, मुंह की ले ले, सब फोकस कर ले भाई। बनाई थी इतनी यम्मी ये टिक्कियाँ, इतना मज़ा आ रहा था, यकीन करें इसके हाथ में बहुत 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 ज़्यादा टेस्ट है, बहुत ज़्यादा। ये तुम क्या आज बनी हुई हो माई करण? यार मुझे सर्दी लग रही थी। सर्दी लग रही? कौन सी सर्दी है जो तुम्हारी जा ही नहीं रही? मेरी बात समझ ले आओ। यार असल में I'm a little bit मरासी। वो कहते ना मरासी में सर्दी लगती है। अंदर जो है एक वो क्या सुघड़ लड़की। हाँ, तो ये हमारी सुघड़। ऐसे नहीं है कि मॉडर्न है तो कुछ आता नहीं, यू नो सब आता है इन्हें, हमारी सुघड़ भी। तो फिर आज मुझे क्या खिला रही हो? आज सबके फेवरेट पाए। ओ यम्मी। और तुमने जो मेरे लिए पिज़्ज़ा बनाया था उसकी तो मैं क्या ही बात करूँ, बहुत मज़े का। कर लो। अच्छा वैसे एक बात है, लोगों ने मेरा व्लॉग देख के ये ज़रूर कहना है कि शीज़ा हमेशा आयशा के घर खाने ही आती है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। और हर मेहमान अपनी किस्मत का लेके आता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता, अल्लाह ताला रिजल्ट देता है। और एक बात बताऊँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला जिससे खुश होता है उसके घर में ही मेहमान भेजता है। कैमरा तो ना हिलाओ, सारा व्लॉग हिला दिया अनुषा ने। ये भी डालूंगी मैं व्लॉग में, दे दो। यार ये तुमने बैग कहाँ से लिया? बहुत प्यारा लग रहा है। ये बैग मैंने पराडा से लिया है। पराडा या हाँ पराडा से लिया। वाओ वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं लगता है मेरी औकात है पराडा वाली। बिल्कुल यार, इसमें क्या है यार, ये बहुत महंगा बैग होता है, लेकिन मैंने लोकल मार्केट से लिया। इट्स अ कॉपी। क्या हो गया? कुछ नहीं होता, कॉपी क्या है। अगर आप आपके ऊपर यानी कि आप लुंडे के भी कपड़े पहने ना, अच्छे लगने की बात होती, लोग ब्रांड पहन कर भी उसमें अच्छे नहीं लगते। तो ये आप में क्वालिटी है कि अगर आप कॉपी भी ले रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा। यार आपस की बात है, एक बात बताओ, मैं ना अभी इन्हीं बातों से लेके एक बात आपको बताती हूँ कि मैं एक ना रेस्टोरेंट में गई, तो वहाँ पे ये हुआ कि कुछ लोग शर्मा रहे थे खाते हुए। तो मैंने ये कहा कि वो कहते हैं ना कि मैं हर व्लॉग में अच्छी बात ज़रूर अब डालूंगी। आज की अच्छी बात ये है कि आप कहीं भी जाते हैं, कहीं बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी की दावत पे जाते हैं, पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, आपने अपने पैसे देने होते हैं, आपने अपना खाना होता है। अगर आप कहीं इन्वाइट भी हैं तो नो डाउट वहाँ पर भी डिसेंट उसमें मैनर्स में खाएँ, लेकिन किसी से डरना नहीं चाहिए, नहीं ना ही ये सोचना चाहिए कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा, कौन क्या बोलेगा, क्योंकि लोगों का काम है बातें बनाना। यस इसीलिए ना शर्माएं ना घबराएं, खुल के खाएं और खुल के जिएं। आयशा के घर का बैक साइड का व्यू है, ये तो बहुत प्यारा, लेकिन ये कुछ लोगों ने कितनी गंदगी रखी हुई है, अल्लाह माफ करे। कैसे लोग हैं यार, जिनको नेमतें मिली हुई लोग उनका शुक्र अदा नहीं करते हैं ना। सूरज का कितना प्यारा व्यू है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। डिनर का टाइम हो गया था और आयशा ने बनाए थे बहुत मज़े के पाए और बहुत यम्मी थे, इसके हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट है। और बाकी मैं यही कहूँगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।